और ये बड़ी खबर आ रही है, देश के दिल में बसा मध्य प्रदेश से, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। प्रधानमंत्री यहां सागर और हरदा में जनसभा करने आ रहे हैं आलोक, और वो भोपाल दौरे पर रहेंगे। भोपाल में वो आलोक शर्मा के समर्थन में अपील करेंगे लोगों से कि भाजपा के समर्थन में वोट करें। करीब 1200 मीटर तक भोपाल में उनका रोड शो होगा। 25 आईपीएस और 2000 पुलिसकर्मी प्रधानमंत्री के लिए तैनात रहेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको मध्य प्रदेश से बता रहे हैं, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एमपी का दौरा है। प्रधानमंत्री सागर और हरदा में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं। लोकसभा चुनाव का पहला चरण कंप्लीट हो चुका है, बाकी चरणों के लिए प्रधानमंत्री यहां पर जनसभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। प्रधानमंत्री सागर और हरदा के साथ भोपाल में भी आएंगे, जहां उनका रोड शो होगा। भोपाल में प्रधानमंत्री आलोक शर्मा के समर्थन में रोड शो करेंगे। करीब शाम 7:30 बजे उनका रोड शो शुरू होगा, जो करीब 1200 मीटर तक चलेगा। रोशनपुरा चौराहे से वो शुरू होगा, अपेक्स बैंक तक रहेगा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए 25 आईपीएस और 2000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। सागर, हरदा, भोपाल में वो जनसभा करेंगे, भोपाल में वो रोड शो करेंगे, जहां उनका रोड शो रोशनपुरा चौराहे से शुरू होगा और अपेक्स बैंक तक चलेगा। भोपाल में प्रधानमंत्री आलोक शर्मा के समर्थन में लोग रोड शो करेंगे। बता दें, आलोक शर्मा भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री का जो रोड शो है भोपाल में, वो करीब 7:30 बजे शाम को शुरू होगा, जो 1200 मीटर तक चलेगा। बता दें, भोपाल में न्यू मार्केट पर स्थित रोशनपुरा चौराहे से ये रोड शो शुरू होगा और एपेक्स बैंक तक चलेगा।